Hey guys, this is Saurav from Tech Battle. So welcome to TTT, Tech Battle Tips and Tricks. इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लाते रहूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी टेक वीडियोस देखने मिलेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है विंडोज टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कुछ वीक पहले ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, बट मुझे कुछ नई ट्रिक्स मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं पहली ट्रिक पे। तो आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस। ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स आपके सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसके लोकेशंस चेंज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले डाउनलोड्स पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लोकेशन टैब चूज़ कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये है। आप इसे चेंज करके आप दूसरी जगह पे ई ड्राइव में या एफ ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। आपका ओएस जनरली सी ड्राइव में स्टोर होता है, तो आप नहीं चाहते कि सब चीज़ मेरा सी ड्राइव में ही जाए और उसका स्टोरेज भर जाए और पीसी आपका लैग करने लगे। तो आप अपना डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स वगैरह का लोकेशन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो नेक्स्ट ट्रिक की बात करने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ये मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा काम आती है। तो कभी कभी क्या होता है, आपके स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाता है पीसी का, बट आप समझ नहीं पाते कि कौन सा फाइल मेरा इतना स्टोरेज खा रहा है। तो मैन्युअली ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कौन से फोल्डर में आप जाके ढूंढोगे। तो इसके लिए आपको ये विंडोज डायरेक्टरी स्टैट वाला सॉफ्टवेयर काफ़ी काम आ सकता है। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। ये क्या करता है, आपके स्टोरेज को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मैंने इधर अपना ई ड्राइव सिलेक्ट किया है, तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये कुछ टाइम लगेगा स्कैन होने में। तो ये आपके स्टोरेज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाले फाइल्स है वो MP4 है, रेड वाले MPG फाइल है, वीडियो फाइल ही है, और ये पर्पल वाले WinRAR फाइल है। ऐसे ही सब फाइल्स टाइप को कलर से रिप्रेजेंट किया है इसमें, और जो जितना बड़े साइज़ वाला ब्लॉक है वो उतना ज़्यादा स्टोरेज खा रहा है। तो आप डायरेक्ट ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने इस पे क्लिक किया है, तो देख सकते हैं ये स्टोरेज बहुत खा रहा है, ये वाला MP4 फाइल। तो मैं अगर वो मेरे यूज़ नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ इसे, और आप पूरा स्टोरेज अपना देख सकते हैं कि आपका स्टोरेज कहाँ ज़्यादा जा रहा है। तो कुछ दिन पहले ये चीज़ मेरे काफ़ी काम आई थी, क्योंकि मेरा कुछ फाइल्स थे वो फालतू पड़े हुए थे मेरे सी ड्राइव में, और मैंने इसके थ्रू उसे डिलीट किया और पता किया कि हाँ, ये फाइल्स इतना बड़ा स्टोरेज मेरा खा रहा था। तो अगर आपको फाइल अपना अच्छे से मैनेज करना है तो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। तो इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोल्डर के नाम और आइकन को छुपा कैसे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले आप नया फोल्डर बना लेते हैं। तो पहले हम इसमें नया फोल्डर बना लेते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं TTT। तो सबसे पहले आपको इसके आइकन को छुपाना पड़ेगा। तो आइकन छुपाने के लिए आप पहले जाइए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप जाइए कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में चेंज आइकन, और यहाँ पे एक ब्लैंक आइकन है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आइकन हो गया है गायब। अब आप करना है इसका नाम गायब। तो आप सोच रहे हो कि अगर रीनेम जाके स्पेस कर दूँ तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। स्पेस करने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता है विंडोज़। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसको रीनेम ही करना है आपको। इसमें आपके न्यूमेरिक कीज़ हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑल्ट प्रेस करके आपको न्यूमेरिक 0160 प्रेस करना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम और आइकन दोनों ही गायब हो चुका है। तो ये ट्रिक काफ़ी काम की है, मतलब आपको कभी कोई फोल्डर किसी से हाइड करना है आपके पीसी में, कोई देखना चाहता है तो आप ऐसे छुपा सकते हैं किधर भी, और सामने वाले को फोल्डर नहीं दिखेगा। बट अगर आप भूल गए कि मैंने कहाँ छुपाया है, ऐसा आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप कंट्रोल ए दबा के ऐसा चेक कर सकते हैं जो सिलेक्टेड है वो आपका फोल्डर है। तो जो लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए ये टिप काफ़ी काम आ सकती है। तो इसमें आप विंडोज़ जी दबा के गेमिंग मोड इनेबल कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑडियो सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। तो ये गेमर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और आप विंडोज़ जी दबा के इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे फाइल्स आपके पीछे खुले होते हैं, तो आप एक एक को अगर मिनिमाइज़ करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो एक क्विक शॉर्टकट बता दूं आपको, आप जैसे मुझे ये नोटपैड है उसको रखना है, बाकी सबको मिनिमाइज़ करना है, तो मैं नोटपैड को शेक करूँगा।
तो बाकी सब ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। तो अगर आपको पता करना है कि विंडोज़ में गॉड मोड क्या होता है और उसे कैसे एक्सेस किया जाता है, या आपको पता करना है कि विंडोज़ में इमोजी मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, या आपको पता करना है कि विंडोज़ में स्पीच टू टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें हमने बहुत सारे टिप्स कवर किए हैं जिससे आपका काफ़ी हेल्प होगा। और आने वाले वीडियो के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।